वेलकम। आज जो हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन टू वर्चुअलाइजेशन पार्ट वन। वीएमवेयर वीस्फीयर 5 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आजकल जो वर्चुअलाइजेशन है वो इतना पॉपुलर क्यों है और क्यों हर डेटा सेंटर में वर्चुअलाइजेशन को यूज किया जा रहा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो लीगेसी डेटा सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं कि लीगेसी डेटा सेंटर में क्या होता था, ठीक है। लीगेसी डेटा सेंटर्स आर फिल्ड विथ वाइड स्प्रेड नंबर ऑफ फिजिकल सर्वर्स दैट आर डेडिकेटेड टू होस्ट इंडिविजुअल एप्लीकेशन सर्विसेस एंड सर्वर रोल्स। अगर हम पुराने डेटा सेंटर्स के बारे में बात करें तो पुराने डेटा सेंटर्स में क्या होता था, पुराने डेटा सेंटर्स में कई सारे सर्वर्स होते थे, ठीक है, और हर सर्वर किसी न किसी एप्लीकेशन सर्विसेज या सर्वर रोल के लिए क्या होता था, डेडिकेटेड होता था, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि इनमें से किसी एक सर्वर पे क्या चल रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है, किसी के ऊपर एक्सचेंज सर्वर चल रहा है, किसी के ऊपर ओरेकल का डेटाबेस चल रहा है, किसी के ऊपर एंटीवायरस सर्वर चल रहा है, किसी के ऊपर आईएएस चल रहा है, ठीक है, इस टाइप से। और हर सर्वर पे जो होता था, हर सर्वर किसी न किसी एक पर्टिकुलर सर्विस एप्लीकेशन या सर्विस या सर्वर रोल के लिए क्या होता था, डेडिकेटेड होता था, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इस सिस्टम के अंदर, इस टाइप के डेटा सेंटर के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या थी वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हाई डिमांड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फॉर एयर कंडीशनिंग, ठीक है। अब आपका आपका हर जब सर्वर जब चलेगा तब वो क्या करेगा, हीट तो क्या करेगा, जनरेट करेगा, ठीक है। अब ज्यादा सर्वर जब होंगे तो ऑब्वियसली वो जब चलेंगे तो वो हीट भी क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जनरेट करेंगे, ठीक है। अब तो उनके लिए जो एयर कंडीशनर जो रिक्वायर्ड होंगे वो भी क्या होंगे, आपको ज्यादा एयर कंडीशन की रिक्वायर्ड होगी, पहली प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, फिर उन एयर कंडीशन को चलाने के लिए फिर से आपको क्या होगी, कई ज्यादा एयर कंडीशन है तो उनको चलाने के लिए आपको क्या होगी, हाई डिमांड में इलेक्ट्रिकल पावर की क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। ये क्या है, दूसरी प्रॉब्लम, ठीक है। अगली प्रॉब्लम क्या आती है वो देखते हैं, सर्वर मेंटेनेंस। अब आपको हर सर्वर का क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। सर्वर मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको टाइम टाइम पे क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर डिस्क स्पेस कम पड़ रहा है तो आपको नई हार्ड डिस्क सेट करनी पड़ेगी। अगर आपको आपकी रैम कम पड़ रही है, मेमोरी कम पड़ रही है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, रैम को इंक्रीज करना पड़ेगी। अगर सर्वर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको रेक्टिफाई करके क्या करना पड़ेगी, उसको सॉल्व आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, सर्वर मेंटेनेंस के अंदर आती है, ठीक है। तो अगर आपके पास ज्यादा फिजिकल सर्वर्स होंगे तो आपको ज्यादा सर्वर्स का क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और आपको मेंटेनेंस करने के लिए जो आईटी स्टाफ रखना पड़ेगा वो क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा बंदों का आईटी स्टाफ रखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है। स्पेस, अब जितने ज्यादा सर्वर्स होंगे उनको रखने के लिए भी क्या चाहिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। स्विचेस, अब इतने सारे सर्वर जब होंगे तो हर एक सर्वर को कनेक्ट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से ज्यादा आपको स्विचेस की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। यूपीएस सिस्टम, और हर सिस्टम हर फिजिकल सर्वर के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, आपको यूपीएस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एटीसी, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये जो मेन प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ये हमने देखी। और भी कुछ प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं, ठीक है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस लाइक सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क और स्टोरेज। आप देखोगे कि आपका कोई भी सर्वर अवेलेबल रिसोर्सेस को 100% यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप जब भी सर्वर्स को मॉनिटर करेंगे तो आप पाओगे कि कोई सर्वर रिसोर्सेस 10% रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर रहा है, कोई सर्वर 20% रिसोर्सेस को क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। बट कोई भी सर्वर 100% रिसोर्सेस को यूटिलाइज नहीं करेगा, मतलब कि आपका कई सारे रिसोर्सेस क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर के अंदर देखता हूँ तो इसके लिए मैं टास्क मैनेजर पे जाता हूँ,
टास्क मैनेजर में अगर मैं देखता हूँ, मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ फिर भी मेरे सीपीयू का यूटिलाइजेशन केवल 15 से 20% हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। मतलब कि मेरा 80% सीपीयू क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। और मेरी मेमोरी कितनी यूज हो रही है, केवल 3 GB के अराउंड यूज हो रही है। अभी मेरी 5 GB मेमोरी क्या है, वेस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सारा रिसोर्सेस क्या हो रहे हैं मेरे, वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टडी शोज दैट द एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन पर सीपीयू पर फिजिकल सर्वर इज लेस देन 10%। स्टडी शो करती है कि आपकी जो फिजिकल फिजिकल सर्वर का जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है वो कितना होता है, एक एवरेज 10% से भी कम होता है। ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन को और समझने के लिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप फोटो देख सकते हैं, जैसे कि इमेजिन करने कीजिए कि मुझे क्या करना है, एक नेटवर्क क्रिएट करना है। ठीक है, और उस नेटवर्क में मुझे क्या चाहिए, एक्सचेंज सर्वर चाहिए, ओरेकल की डेटाबेस चाहिए, एडी चाहिए, आईएएस चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम इनको कैसे इंस्टॉल करते थे, अभी तक हम इन सब सर्वर को अलग अलग हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते थे। मतलब कि हमने एक फिजिकल हार्डवेयर लिया, फिजिकल सर्वर लिया, उसके ऊपर में ओएस डाला और उसके ऊपर क्या डाल दिया हमने, एक्सचेंज सर्वर डाल दिया। हमने एक हार्डवेयर लिया, हार्ड फिजिकल सर्वर, उसके ऊपर ओएस डाला और उसके ऊपर क्या डाल दिया, ओरेकल का डेटाबेस डाल दिया। हमने एक और फिजिकल सर्वर लिया, उसके ऊपर ओएस डाला और उसके ऊपर क्या डाल दिया, एडी डाल दिया। एक फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर हमने ओएस डाला और फिर उसके ऊपर क्या डाल दिया, आईएएस डाल दिया। ठीक है, ये सभी तो क्या है, एप्लीकेशन है, और इन सबको क्या चलने के लिए क्या चाहिए, ओएस तो रिक्वायर्ड है। ठीक है, जब आप इन सर्वर को मॉनिटर करोगे तो आप ये पाओगे कि ये जो सर्वर है वो रिसोर्सेस को 15 से 20% रिसोर्सेस को ही क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब कि आपके हर सर्वर में क्या 80% रिसोर्सेस क्या पड़े हुए हैं, वेस्टेज पड़े हुए हैं। ठीक है, जो कि अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, अगली प्रॉब्लम, हर सर्वर को चलने के लिए चाहिए पावर, चाहिए बिजली चाहिए। ठीक है, और हर सर्वर को रखने के लिए भी क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। ठीक है, तो ये सारी इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं। वर्चुअलाइजेशन में हम 4 सर्वर ना लेते हुए क्या करते हैं, केवल एक ही फिजिकल सर्वर लेंगे। ठीक है, उस फिजिकल सर्वर के ऊपर हम क्या डाल देंगे, वर्चुअलाइजेशन का ओएस या फिर सॉफ्टवेयर डाल देंगे। ठीक है, और उस वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर के ऊपर हम क्या कर देंगे, और फिर उस मतलब कि उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और उन वर्चुअल मशीन्स में क्या कर देंगे, हम एक्सचेंज सर्वर, ओरेकल, एडी और आईएएस क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, ये मशीन कितनी, 20% सीपीयू को, 20% रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेगी। ये मशीन 20%, हर मशीन कितनी, 20% रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेगी। मतलब कि आपके पूरे पूरे फिजिकल हार्डवेयर का जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो कितना होंगे, 80%। मतलब कि चारों मशीनें मिलकर 80% रिसोर्सेस को क्या कर लेगी, यूटिलाइज कर लेगी। ठीक है, मतलब कि आपका जो हार्डवेयर वेस्टेज हो रहा था, जितना बहुत सारा जो हार्डवेयर वेस्ट हो रहा था, रिसोर्सेज जो वेस्ट हो रहे थे, वो उनका परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और जहां 4 मशीनों के लिए आपको चलाने के लिए बिजली चाहिए थी, वहां 1 मशीन को ही चलाने के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए। आपका बिजली का बिल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगली चीज, अब पहले अब केवल आपको 1 मशीन को ही रखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फिजिकल स्पेस भी क्या चाहिएगा, कम ही चाहिएगा। ठीक है, अब बात होती है कि हर मशीन को क्या चाहिए, अपना अपना हार्डवेयर चाहिए। ठीक है, तो जब आप इन वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तब इनके पास हार्डवेयर कहाँ से आएगा, क्योंकि आपके पास फिजिकल हार्डवेयर तो क्या है, केवल एक ही है। ठीक है, आपका फिजिकल हार्डवेयर तो एक ही है ना, आपके पास रैम एक है, सीपीयू एक है, और फिजिकल और हार्ड डिस्क भी क्या है, एक ही है। ठीक है, अब आप इन सब तो अब इन जब आप वर्चुअल मशीनें क्रिएट करेंगे तो उनके पास हार्डवेयर कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो जब भी आप वर्चुअल मशीनें क्रिएट करेंगे तो जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, जो फिजिकल हार्डवेयर है उनकी क्या कर देगा, लॉजिकल कॉपी क्रिएट कर देगा।
ठीक है, और वो क्या कर देगा, हर वर्चुअल मशीन को अपनी अपनी लॉजिकल कॉपी क्या कर देगा, असाइन कर देगा, हार्डवेयर की लॉजिकल कॉपी, फिजिकल हार्डवेयर की जो लॉजिकल कॉपी है वो क्या कर देगा, असाइन कर देगा। ठीक है, हर गेस्ट मशीन को, हर वर्चुअल मशीन को ऐसा लगेगा कि ये जो हार्डवेयर है वो क्या है, मेरे लिए डेडिकेटेड है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है कि उस हार्डवेयर को मल्टीपल मशीन को क्या, मशीनों के बीच में शेयर किया जा रहा है, और ये सभी मिलके क्या कर रही है, उस हार्डवेयर को यूज कर रही है। ठीक है, इस मशीन को पता भी नहीं चलेगा, इन वर्चुअल मशीन को पता भी नहीं चलेगा कि जो हार्डवेयर है ये मल्टीपल वर्चुअल मशीनों के बीच में शेयर किया जा रहा है। ठीक है, अब पहले तो वर्चुअलाइजेशन इतना पॉपुलर नहीं था, आजकल जो वर्चुअलाइजेशन इतना पॉपुलर हो रहा है इसके पीछे भी एक रीजन है। क्या रीजन है, आप देखेंगे कि आजकल जो सीपीयू आते हैं वो मिनिमम ड्यूल कोर या फिर क्विड कोर तो होते ही हैं, ठीक है, और फिर सर्वर मदरबोर्ड में तो मल्टीपल सॉकेट्स के ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आपके, इमेजिन कीजिए कि आपके मदरबोर्ड में 4 सॉकेट के ऑप्शन है, ठीक है, और आपने हर सॉकेट में कितने ड्यूल कोर सीपीयू लगा रखे हैं। ठीक है, मतलब कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल सीपीयू कितने हो जाएंगे, 4 × 8, 8 आपके पास क्या हो जाएंगे, लॉजिकल सीपीयू हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये एक रीजन है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन को और बेटर समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पास एक क्या है, प्लाट है। अब उस प्लाट के ऊपर अगर आप क्या बनाते हैं, केवल एक घर बनाते हैं, तो उसके ऊपर कितनी फैमिलीज रह पाएगी, केवल एक फैमिली रह पाएगी। और अगर आप उसी प्लाट के ऊपर एक मल्टीपल, एक मल्टी बनाते हैं, तो उसके ऊपर कितनी फैमिली रह पाएगी, इमेजिन कीजिए कि 10 फैमिली क्या रह पाएगी उस मल्टी के अंदर रह पाएगी। मतलब कि आप मल्टी के थ्रू आपके प्लाट का अच्छे वे में यूटिलाइज कर पा रहे हैं। सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि आप वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आपके रिसोर्सेस को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब वर्चुअलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, हम जो ये बात कर रहे हैं वो सभी बातचीत कर रहे हैं सर्वर वर्चुअलाइजेशन के बारे में। ठीक है, और भी टाइप के वर्चुअलाइजेशन होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन होता है, जो आप वीएमवेयर वर्क स्टेशन या वर्चुअल पीसी जो यूज करते हैं वो किससे रिलेटेड है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड है। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में दो टाइप के होते हैं, इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। इंटरनल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, जैसे कि आप वीएमवेयर में जो VMnet 1, VMnet 2 जो यूज करते हैं वो सब क्या है, इंटरनल नेटवर्क के एग्जाम्पल है, इंटरनल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के। और VLANs, और VLAN जो है वो किसका एग्जाम्पल है आपका, एक्सटर्नल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का एग्जाम्पल है। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, अब जैसा कि हम VMware में करते हैं कि नहीं करते हैं, कि आपके पास हार्ड डिस्क तो एक है, लेकिन वही क्या कर रहे हैं हम, वही हार्ड डिस्क मल्टीपल लोग, मल्टीपल मशीनों के बीच में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल लोगों को बांट रहे हैं, मतलब कि हमारे पास हार्ड डिस्क तो होती है 200 GB, बट हम किसी भी मशीन को इतना 1 TB तक भी क्या कर रहे हैं, मशीन स्टोरेज क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।